सुनो रे सारे गांव वालों, ये सारी खेती की जमीन जल्द से जल्द देवराज के नाम हो जानी चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत बड़ा एक मॉल बनने वाला है। अरे भाई, वो जमीन तो हमारा सब कुछ है, उस पे हमारी खेती बाड़ी होती है, हम कैसे दे देंगे वो जमीन? गलत है ये। ऐसा है, सबकी गांड एक साथ मारूंगा, कुछ गलत वलत ना है। तू क्यों बोला भाई? मुझसे बर्दाश्त ना होगा जो आपके खिलाफ बोलेगा। फ्री में नहीं ले रहे, पैसा मिलेगा सबको। मुझसे भी तो ना हो बर्दाश्त, थोड़ी बर्दाश्त भी करनी सीखो। सबको पैसा मिलेगा, फ्री में नहीं ले रहे, तुम्हारी जमीन है। कितने पैसे मिलेंगे? सबको 10,000 रुपए मिलेंगे। 4 लाख की जमीन के 10,000 रुपए दे रहे हैं। मेरी तो 60 गज है, तुम 5,000 भी दोगे वो भी रख लूंगा। अबे अभी सिर्फ मैं आया हूँ तो तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ। अगर ये देवराज के नाम में जमीन ना हुई ना, तो फिर देवराज आएगा, इस पूरे गांव को शमशान बना देगा 5 मिनट में। भाई साहब, मैं भी यही कह रही हूँ, बहुत सुअर है गांव वाले। तुम जाओ, देवराज भाई को भेजो, इनकी गांड पे केकड़े लौट जाएंगे, तुरंत जमीन देंगे। मुझसे क्यों कह रहे हो यार, देवराज भाई को लाओगे या ना लाओगे, मर्जी है तुम्हारी, मैं तो गांव वालों की तरफ हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, आऊंगा दोबारा, जमीन के कागज तैयार रखना। अबे साले गांडू, तू बाबला, तूने हम सबको फंसवा दिया। अबे चुप, जमीन जरूरी है, जान जरूरी है। सही कह रही है ये, अब हम कर भी कह सकते हैं, ना हमारा पुलिस साथ देगी ना एमएलए, और मुझे तो लगता है इस काम में भी एमएलए का हाथ है। अब तो एक ना एक दिन हमें एक घर जमीन सब छोड़ के जाना पड़ेगा। मर है, मैं तो इस लोलिया को सेट करके रहूंगा। लव लेटर। क्या है? पता ना पापा क्या है, पर्चा आया। पढ़ी से जरा। मैं हूँ तुम्हारे सपनों का राजकुमार, जो मोटा तुम्हें कल देखने आया था, मैं उसका दोस्त हूँ टोपे वाला। देखो भले ही मेरे पास गाड़ी नहीं